हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले यूरो वर्सेस INR के वीकली व्यू के बारे में, कि जो अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर रहने वाला है। और पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इफ यूरो INR इज अ ब्रेक वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट 81.50, इफ वी क्लोज्ड अबव दिस प्राइस देन वी सी ए वेरी गुड रैली। ओके, हमने डिस्कस किया था कि अगर यूरो INR जो है वो 81.50 का जो लेवल है, कि जो वेरी इंपॉर्टेंट था बराबर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, वो अगर जैसे ये ब्रेक होगा तो हमें एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। और ठीक वैसा हुआ, हमने लगभग 84.30 का जो है वो हाई लगाया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर यूरो INR जो है वो कहाँ पर उसका सपोर्ट ले सकता है और क्या उसके टारगेट बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो यूरो INR का जो पहला जो सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है लगभग 83.10। ओके फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एट अ क्लोजिंग बेसिस। दैट मीन्स इफ यूरो INR इज अ करेक्ट अप टू दिस प्राइस 83.10, then we consider as a normal correction। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि अगर यूरो INR जो है वो ये प्राइस तक आता है, यहाँ तक करेक्ट होता है, तो हम मानेंगे कि ये जो है वो एक नॉर्मल करेक्शन है 83.10 की प्राइस। अगर ये जो प्राइस है वो भी ब्रेक होती है, सपोर्ट ये हमारा ब्रेक होता है, तो आपको फाइनल ध्यान में रखना है 82.10.50। ओके, इट्स अ फाइनल एट अ क्लोजिंग बेसिस, मतलब क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये जो हमारा सपोर्ट है वो फाइनल है। इफ यूरो INR इज अ ब्रेक दिस फाइनल सपोर्ट देन वी सी अ वेरी शार्प करेक्शन एंड दिस करेक्शन में एक्सटेंड अप टू 81.60 लेवल। ओके, इफ दिस लेवल कैन ऑल्सो ब्रेक then we see 78 to 79 level। okay, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 83.10 का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर वो ब्रेक हुआ तो फाइनल आपको ध्यान में रखना है 82.50। अगर ये ब्रेक हुआ तो आपको बहुत ही स्पीड से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, और ये लगभग 81.60 से 80 के लेवल या तो उसके नीचे अगर जाने की कोशिश करता है तो आपको 78-79 के जो लेवल है उसके आसपास भी आप इसको जाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टारगेट प्राइस फॉर द यूरो INR। सो नंबर वन टारगेट जो है यूरो INR के लिए वो निकल के आ रहा है 84.10.20 लेवल। फ्रेंड्स, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट एट अ क्लोजिंग बेसिस। दैट मीन्स इफ यूरो INR इज अ क्लोज्ड अबव दिस प्राइस देन वी सी 85.10.10 लेवल। दोस्तों, अगर 84.20 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अगर ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, हम उसके ऊपर क्लोज होते हैं, तो फिर हमें 85.10 के जो लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर ये जो प्राइस है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ये टारगेट भी हमारा अचीव हो जाता है, देन वी सी 85.70 to 86.60, विच इज अ फाइनल टारगेट अकॉर्डिंग टू माय चार्ट ट्रेडिंग। ओके, ये जो है वो मैं अपने चार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान में रखने वाली दो बातें हैं नेक्स्ट वीक के लिए। एक सपोर्ट जो है 83.10 का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अगर ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और 82.50 का जो है वो अगर ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से, मेरे चार्ट ट्रेडिंग जो मुझे बता रहा है उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी दिक्कत इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये जो है वो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ओके,
अगर टारगेट की बात करें तो 84.20 जो है वो वहां तक आराम से जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है. ओके, अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो फिर आपको 85 और 85.70, 86 के जो लेवल है वो इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा रहा इन्फॉर्मेशन आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के करेंसी और साथ में कॉमोडिटी और निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली व्यू जो है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.